हां जी, किदा कैनेडा सारे? आई होप कि तुझे सारे बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो मुझे बताना कमेंट करके कि आप सब कैसे हो। एंड आई एम कम बैक अगेन विद एन इलेक्शन वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है, एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। स्पेशली सिद्धू मूसेवाला के जो जो फैंस हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि उनका इंटरव्यू आया है दिल दिया गल्ला, जो कि सोनम बाजवा का शो है। तो उसमें उनका इंटरव्यू हुआ है एंड मुझे एक छोटी सी क्लिप शो हुई थी, तो देन मुझे लगा कि क्यों ना वीडियो बना ली जाए, उस पर आप सबके साथ देखी जाए। अकेले क्यों देखनी, आपके साथ देखने में ज्यादा मजा आता है। तो आज हम वो देखेंगे, उनका इंटरव्यू हुआ लेकिन फुल वीडियो नहीं डाली है अभी तक, जस्ट छोटा सा उन्होंने लाइक टीजर कह सकते हैं कि टीजर ही डाला है उन्होंने अभी। तो मुझे काफी ना एक्साइटमेंट थी देखने की कि मैं मतलब सुनूं इंटरव्यू की, देखूं कि क्या क्या सिद्धू मूसेवाला क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव उनके थोड़े कम ही देखती हूं। तो मैंने इंटरव्यू उनका जरूर देखना है फुल जब भी आएगा तब। तो अभी फिलहाल आज छोटा सा छोटी सी क्लिप मुझे मिली है, आज हम वही देखेंगे, वही एंजॉय करेंगे कि क्या क्या कहा है सिद्धू मूसेवाला ने। और उससे पहले आए थे करण औजला उस शो में, तो मैंने वीडियो वो भी बनाई है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको पसंद आएगी, तो वो भी आप लोग देख लेना। एंड ये इंटरव्यू है विद सोनम बाजवा। तो काफी सारे आते रहते हैं यहाँ पे हमारे जो सिंगर्स हैं, काफी सिंगर्स आते रहते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या सिद्धू मूसेवाला ने कहा है, क्या क्या क्वेश्चंस करे हैं सोनम बाजवा ने उनसे, तो मजा आएगा देखने में। और सो फिर चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, बाकी बातें हम करते हैं बाद में। तो लेट्स प्ले द वीडियो ऑफ दिल दिया गल्ला शो। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली सिद्धू मूसेवाला। कॉन्फिडेंस का होता थोड़े अंदर? कॉन्फिडेंस कदों होता जो सारी दुनिया चाहती भी तुसी हार जाओ। कन्फेस करो थोड़ी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिदे च कुछ भी सच नहीं है। लोकां मूरे मैनू ऐ पेश किया गया भी मैं कोई अत्तवादी हुंना जब मैं कोई गुंडा होना, पर मेरी 90% कंट्रोवर्सी है जिन्हें च मेरा कोई लेना देना ही नहीं। सब तो चीज केड़ी थानू लगता मिस कर दो? मेरी दादी ने तानियां मुनिया, उन्हें अज शायद होंगी तो दादे भी तेरी तानियां मुन का मुल मुड़ गया है ना, जो जमीन देख दी ताही मैनू खेत काम करके थोड़ी संतुष्टि मिलती है। दिल दियां गल्लां हर शनिवार ते एतवार राती 8:30 बजे सिर्फ जी पंजाबी ते, जज्बा कर विखाउण दा। कितनी ना मतलब उन्होंने कितना प्यार से कहा ना, जो उन्होंने पूछा तो ऐसे लगता है सॉन्ग्स में मतलब जब कोई भी लिरिक्स लिखता है तो ऑब्वियसली बात है कि कोई लिखेगा लिरिक्स तो वो कमाल के ही लिखेगा, लेकिन काफी पर्सनैलिटी बिल्कुल उससे अलग है लिरिक्स से, क्योंकि काफी से सिंगर्स हैं जो कि नेचर वाइज काफी सॉफ्ट हैं, लेकिन उनके गाने बहुत ही ऐसे मतलब धमाकेदार होते हैं ना। तो काफी सारी उन्होंने बहुत 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 प्यारी लाइन्स कही हैं, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये इंटरव्यू। मैं देखूंगी फुल जब भी आएगा, तो आप ही मेरे साथ देखना, जिन लोगों ने देख लिया है वो देख लो, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे साथ देखना। जब भी क्लिप आएगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसी टाइम पे वीडियो बना दूं, तब तक आप लोग वेट करो, मैं लेके आऊंगी वीडियो। एंड उन्होंने काफी प्यारी लाइन कही है कि मतलब अपनी दादी का वो कुछ मिस करते हैं, मुझे मतलब पंजाबी इतनी समझ नहीं आती है, लेकिन जहां तक पता है कि थोड़ा बहुत समझ आया ही है जो जो उन्होंने कहा है, लेकिन काफी कमाल का कहा है कि मतलब लोगों को लगता है कि मैं आतंकवादी या समथिंग कुछ भी। कॉन्ट्रोवर्सीज तो होती ही रहती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया लाइफ कैसी होती है, चाहे आप छोटी सी कुछ भी चीज करो मीडिया उस चीज को मतलब इतना बड़ा दिखाती है कि हम लोग सोच नहीं सकते। काफी ज्यादा बैड इंप्रेशंस भी पड़ते हैं उस चीज के हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी लाइफ के तो ऊपर तो क्या ही पड़ते हैं, लेकिन जो जो सुपरस्टार्स हैं सिंगर्स हैं है ना उनकी लाइफ पे, तो बाकी उनका काम ही ये है कॉन्ट्रोवर्सीज बनाना, तो लगे रहो फिर उनको उनको तो और कुछ काम नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो हमारे फार्मर्स प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं उनको भी काफी बुरा भला कहते हैं हम मीडिया वाले, क्योंकि आपको पता है कि गोदी मीडिया बोल सकते हैं हम लोग, तो वो है। एंड इंटरव्यू मुझे ना काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इंटरव्यू की, क्योंकि मजा आएगा देखने में, क्योंकि मैंने करण औजला का इंटरव्यू देखा है, मुझे वो बहुत पसंद आया है। अब ये देखेंगे कि कितना कमाल का होता है, क्योंकि काफी मजा आता है ना ऐसे शोज देखने में जिसमें मतलब रैपिड फायर वाली गेम्स होती हैं, सो काफी इंटरेस्ट बनता है मेरा ऐसी चीजों में, काफी मजा आता है देखने में। तो मुझे बताना आप लोग कि मैं वो शो अकेले ही देख लूं या फिर आप लोगों के साथ देखूं, वैसे आपके साथ ही देखना चाहिए है ना, तो मजा आएगा देखने में, देखेंगे हम लोग साथ में ही। एंड वेट करते हैं सिद्धू मूसेवाले के न्यू सॉन्ग्स की, जब न्यू सॉन्ग आएगा तो बनाएंगे वीडियो, क्योंकि अभी तक तो कोई भी सॉन्ग नहीं आया है। सॉन्ग आया था कौन, पंजाब के बाद कोई भी सॉन्ग नहीं आया है, फार्म प्रोटेस्टिंग के चलते वो सॉन्ग लेके नहीं आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है, और देखते हैं कि गाना कब आता है नया।
और जो गाना आएगा ना वो गाना मतलब धमाल ही मचाएगा, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, इतना टाइम हो चुका है सिद्धू मूसेवाले के गाने को आए हुए एंड उनके फैंस काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं कि कब कब उनका गाना आएगा एंड हम लोग देखेंगे एंजॉय करेंगे। तो बताना मुझे कि कौन कौन फैन है सिद्धू मूसेवाले का एंड आई होप कि आपको रिएक्शन पसंद आए होंगे। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट कर देना कि कैसे लगी वीडियो आपको, एंड शेयर भी कर देना अगर ज्यादा पसंद आएगी तो। बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड नई नई वीडियोज लेके मैं आती रहूंगी, बस आप लोग चैनल पे बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप भी काफी आई थिंक बोर हो चुके होंगे मेरी बातें सुन के, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। सो बाय।